औस बिल्लाहि मिनश्शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। एक गिलास पानी और एक चम्मच तुख मलंगा, इस चीज से आपके अंडों के दरमियान पानी इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप झटके लगा लगा के थक जाओगे, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलेगा। अंडों के दरमियान पानी की अफजाइश के लिए और इसकी बढ़ोतरी के लिए बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। जो लोग इससे फायदा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जिन दोस्तों का मादा गर्मी की वजह से पतला हो चुका है या ऐसे दोस्तों को जिन्हें कतरों का बार बार आने का मसला है, तो इन तमाम हजरात के लिए एक छोटा सा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, इस नुस्खे की तैयारी के लिए आपके पास तुख मलंगा होना चाहिए, जिसे हम चुबा सीड भी कहते हैं। बहुत ही सादा और आसान सी चीज है जो कि किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ऐसे हजरात जिनको बार बार कतरों की शिकायत है और इनका पानी बार बार निकलता रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये अनमोल और नायाब तोहफा है, क्योंकि ये ऐसी खास चीज है जो कि शादी से पहले आपको इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन शादी के बाद जब औरत हामला नहीं होती तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि जिसकी मर्द की भी अंडों के दरमियान पानी की वो खास चीज नरम होती है और पतली होती है पानी की तरह, तो वो कभी भी औरत को हमला नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है और अहम चीज है कि आप इस खास चीज के पतलेपन को शादी से पहले ही इलाज कर लें, क्योंकि इस चीज के इस्तेमाल से ऐसे तमाम लोग जो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, जब वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से इनकी वो खास चीज बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। नुस्खे की तैयारी के लिए आपने सबसे पहले एक चम्मच तुख मलंगा पानी में डालकर भगो कर रख देना है। इसे कम अज कम आप 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के लिए भगो कर रख सकते हैं। इसके बाद रात को सोने से कबल आपने कोई भी मशरूब बनाकर या दूध में डालकर एक चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपने पी लेना है। बाकायदगी से कम अज कम 2 हफ्ते इस मशरूब का इस्तेमाल करें। तुख मलंगा डालकर इस तरह इस्तेमाल करें तो इसके बाद आप यकीन करें आप अपने जिस्म में एक ऐसी तब्दीली पाएंगे कि अगर आपको बार बार कतरों का मसला है तो वो भी इससे आपको छुटकारा हो जाएगा, आपके मैदे की गर्मी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है, इस मशरूब के इस्तेमाल के बाद कब्ज के मसले से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, तुख मलंगा ना सिर्फ आपके पानी को गाढ़ा करेगा, बल्कि आपके जिस्म में मौजूद गर्मी को निकालकर आपके जिस्म को फिट और तवाना भी रखेगा। इस खास किस्म के मशरूब को हर किस्म का मर्द, औरत, बच्चे, जवान और सब इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड के मरीज भी इसे बगैर किसी परेशानी और खौफो खतर के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आप अपने जिस्म में एक ऐसी खास तब्दीली महसूस करेंगे। जो लोग खास तौर पर अपने मोटापे की वजह से परेशान हैं, तो उनके लिए भी ये एक अजीम नेमत है, क्योंकि ये चीज आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाकर आपके जोड़ों को दर्द और मोटापे से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा। खासतौर पर गर्मियों के दिनों में इसे लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। मजीद ये कि अगर आपकी टाइमिंग कम है तो इस खास चीज का जूस बनाकर पिए। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए एंड स्क्रीन पर दी गई इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, जिससे आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी।